हमें जल्दी करना होगा, अलार्म बज गया है, लगता है किसी को हमारी जरूरत है। मिसिफो? मैं आ रहा हूँ दादी। मिसिफो, जाकर देखो कि अलार्म किसने बजाया। ठीक है दादी। दादी, बहुत ही अजीब बात है। क्या हो गया मिसिफो? ये अलार्म तो मून ने बजाया है। अच्छा होगा कि हम मिस्टर मॉर्निंग को बुला लें। इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है, क्योंकि पिछले दो दिनों से अंधेरा छाया हुआ है और सूरज निकला ही नहीं है। क्या हम पिछले दो दिनों से सो रहे हैं? और ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ बदल जाएगा। तो हमें अब क्या करना चाहिए? हमें इस पोर्टल को ओपन करना चाहिए। अगर मून ने ये अलार्म बजाया है तो हमें वहाँ जाकर उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। तुम तैयार हो मिसिफो? हाँ दादी। दोस्तों मैं यहीं रुकता हूँ, ताकि अगर तुम्हें यहाँ से मदद चाहिए तो मैं दे सकूँ। सैटर्न मेरा सबसे फेवरेट प्लैनेट है। दादी, मिसिफो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अंदर आ जाओ। अपनी नहीं आंखें बंद करो, जितना चाहे उतना मजा करो, सपने देखो हजारों। देखो मिसिफो। मेरे प्यारे बच्चों, जाओ अपनी जगह पर वापस। मुझे माफ करना, ये बहुत ज्यादा शरारती हैं। और बहुत ही प्यारे भी। दोस्तों, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। सूरज गायब हो गया है, हमें नहीं पता वो कहाँ गया। हमें भी आराम की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो इस टेलीस्कोप से देख सकते हो, इससे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। छुट्टी की वजह से बंद है। क्या सूरज छुट्टी मनाने चला गया है? कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढकर वापस ले आएंगे। पर हमें थोड़ी पता कि वो कहाँ है। ये देखो मिसिफो। अरे वो तो अपना फ्लोट यही दरवाजे पर भूल गया है। और इसका क्या मतलब हुआ? कि वो बीच पर गया है। आहा। मिस्टर मॉर्निंग, हमें आपकी मदद चाहिए, हमसे बीच पर मिलिएगा। मिसिफो चलो। कितना मजा आ रहा है। हेलो दोस्तों, तुम लोग भी सर्फिंग करने आए हो? हम तो यहाँ पर आपको वापस ले जाने आए हैं। दोस्तों ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। दोस्तों मुझे लगता है ये सच में नहीं होने वाला। नहीं मिस्टर मॉर्निंग, हम तीन लोग हैं, क्यों ना हम इन्हें घेर लें और फिर पकड़ लें। लेकिन हमें कुछ तेज चाहिए होगा, उस सर्फबोर्ड से भी तेज। ये लो, ये हुई ना बात। चलो चले। वाह, मजा ही आ गया। जल्दी करो मिसिफो, पकड़ लो उसे। नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगी दादी। अरे तुमने तो मुझे पकड़ ही लिया। मुझे माफ करना मून। अब मेरी बारी है तुम्हारी तरह छुट्टी पर जाने की, समझे? क्या तुम मेरी भी मदद कर सकते हो प्लीज? छोटा सा कीड़ा। म्याऊ 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 म्याऊ।
लाइट बंद कर दो ना प्लीज। प्लीज लाइट बंद कर दो, सो नहीं पा रही। मिसी पू लाइट बंद करने का दे तुम। कौन सी लाइट, सब तो बंद है यहाँ पर। इसने मुझे जगा दिया और खुद सो रही है। मुझे जाकर गर्मा गर्म दूध पीना चाहिए। स्वादिष्ट। दादी म्यूजिक बंद करो। ऐसे तो मैं सो ही नहीं पाऊंगा। मैं तो सो ही नहीं पा रहा। मैं तो फिर से जग गया हूँ। शीप काउंट करता हूँ, हमेशा काम करता है। एक शीप, दो शीप, तीन शीप। ये लो लिली, ये लो। ये लो मिसी फू। तकिया, शुक्रिया तुम्हारा। चलो स्टैचू स्टैचू खेलते हैं। मुझे खेल बहुत पसंद है, मैं भी खेलूंगा। एक, दो, तीन, स्टैचू। चलो देखते हैं इन स्टैचूज को। पता है ना, जो हिलेगा वो हारेगा। ये सही बात नहीं है दादी, तुम मुझे हंसा रही हो। तुम हार गई, तुम्हें अब दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। दादी, मिसी फू को क्या हुआ आज? मुझे नहीं लगता वो रात को ठीक से सोया है। कितनी अजीब बात है, इसकी घंटी में से पानी क्यों निकल रहा है? मुझे नहीं पता लिली। ये तो अजीब है। लड़कियों, मुझे माफ कर देना। ये पानी कहाँ से आ रहा है महान जादूगर? मेरे छोटे से घर से ये बाढ़ वहीं से आई है, लेकिन जितना मुझे दिख रहा है मिसी फू तैर नहीं रहा, जिसका एक ही मतलब निकलता है कि उस पे किसी ने जादू कर रखा है। आप क्या देख रहे हो? ये मुझे लगता है कोई मिसी फू के कान में रह रहा है। अब समझ में आया कि आजकल मिसी फू ठीक से सो क्यों नहीं पा रहा। ये देखो लड़कियों, ये रहा। मदद करो। मुझे माफ कर दो मिसी फू, अब मैं अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लूंगा। मैं जा रहा हूँ। क्या चल रहा है दोस्तों? क्यों ना ये घंटे के अंदर महान जादूगर के साथ रहे। अरे वाह। अब है कहानियों का समय। यूपी, मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है।